मुसलमान भाई बोलाया मोदी जी को आरती को उतारा है, वो बेकूफ था मुसलमान भाई राजा ना। इससे हर हर मोदी के पार एकदम होगा। कैसे कैसे आम जनता के काम से क्या दिया मोदी जी ने, क्या नहीं दिया ही बताइए। 50 साल का जकरल राजनीति को समस्या को हल किया। अगर विपक्ष का मौका रहता कि कोरोना से उबार नहीं होता, ये लोग कोरोना के टीका के कहते थे कि मोदी जी पानी भुकवा रहा है, आ बाद में लिया। प्रधानमंत्री बना कोई घमंड नहीं, सबसे पहले कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ। लाल बत्ती को हटाया, लाल बत्ती न लगाऊंगा न लगाने देगा। किसान का है, विश्वकर्मा योजना है, उसके बाद है मुद्रा लोन है, कई योजना आज तक देख रहे हैं। रोड ना हवाई जहाज चलने वाला रोड बनाया, हवाई जहाज चलने वाला रोड बन गया है पटना में। अच्छा। पटना देखिए, पटना है विकास पुरुषोला काम किए थे नीतीश कुमार। विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा, सरकार भी विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा, विपक्ष नहीं दिखा, कुछ काम नहीं, खाली जुमलेबाजी जुमलेबाजी। चार तारीख के बाद ये लोग चल जाएंगे विदेश। इन लोग के हवाई जहाज में बर्थडे मनता है, पत्नी को तो रखे नहीं। आप कहते हैं कि महिला को सम्मान देंगे, कई को मुद्दा बताए 500 का विदेश में नमस्तक हो रहा है। 27 एकड़ पे जमीन में विदेश में मुसलमान भाई बोलाया मोदी जी को आरती को उतारा है, वो बेकूफ था मुसलमान भाई राजा ना। इससे कम की क्या बात, का सम्मान मिल रहा है विदेश में, विदेश में भी नमस्तक लोग रह रहे हैं। यूक्रेन को युद्ध हुआ उसमें 3 दिन के लिए युद्ध रोकवा दिए, और भारत के बच्चे को नहीं, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश को भी स्टूडेंट को निकाले हैं, हवाई जहाज से भेजे हैं देश में। अब इससे जाइए, वो विश्व भी कह रहा है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन कुछ लोग गंदा तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, सनातन पर उंगली उठावेंगे। ये लोग कहते थे ना कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री शेर ऐसा कहा ना कि 22 तारीख को हम डेट बता रहे हैं, बता दिए हैं। 500 का रिकॉर्ड पूरा है, बताइए। मुसलमान भाई भी धीरे धीरे सब समझ रहा है। 3 तलाक वाला मुद्दा बहन भाइयों पर क्या बीत रहा है, मोदी जी के रैली में गया तलाक, रोटी जल गई तलाक, ये कौन फैशन है? 4 गोपिया हिंदू में कुछ है मैरिज को, हम मुस्लिम में कुछ होना चाहिए, वो भी एहतियात। 370 आप हम भी जाकर जम्मू कश्मीर में जमीन को मकान को ले सकते हैं, वो भी एक ऐतिहासिक फैसला है। आज BPL वाला के देखिए कितना आराम से गैस कनेक्शन मिलता है। हमारे गांव में राम प्रवेश शर्मा को जब गैस कनेक्शन मिला तो समूचा जेवार में नाम हुआ कि VIP कोटा से गैस कनेक्शन मिला, कितना आराम से मिल रहा है। 5 गो कनेक्शन में 5 गो कोटा से हमको लेते हैं तो 12 महीना को पूर जाता है, कितना आसान कर दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत तो और भी अच्छा, क्या लगता है, 5 किलो अनाज है उस पर भी लोग आलोचना करता है। सोचिए बहनों भाइयों, कुछ गरीब आदमी को कोई कारण से बीमार है, 5-6 गो परिवार है, 25-30 किलो चावल मिल जाता है, गेहूँ मिल जाता है, कितना संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। 5 साल फिर फ्री हो गया ना, 5 साल फिर से फ्री कर। हाँ, पाकिस्तान के लोग कह रहा है कि कारगिल वाला रोड को खोल दीजिए मोदी जी, भारत माता की जय, हम लोग आ जाते हैं दुकान मकान छोड़ के। इतना पॉपुलर हो गया है मोदी जी से, लोग राय ले रहा है विदेश में। मोदी जी बताइए, आप बताइए क्या करना है। इन लोगों को चाहिए था बहुत पहले विश्व गुरु हो जाना चाहिए था, हिंदू राष्ट्र का विश्व गुरु अपना देश को बहुत पहले होना चाहिए। कोई विश्व गुरु हिंदू राष्ट्र होने से कोई नहीं रोकेगा, ये हो के रहेगा आप मोदी जी के नेतृत्व में। क्या लगता है विपक्ष का सफाया हो जाएगा? सोचिए ना, आप सोचिए, भगवान का शक्ति नहीं रहेगा। बंगाल में 4 गो रैली करके पटना में आ रहे हैं, राहुल गांधी 2 गो रैली में हफड़े लगते हैं। तो नौजवान तो उनको आउ न करना चाहिए काम, तो पपुए रहेंगे। और इलेक्शन के बाद 4 तारीख के बाद भी जाएंगे विदेश में, आराम करेगा। और उससे तो कुछ आदमी तो ऐसा है, गाना सुने न है कि कुछ लोग कहेंगे लोगों का काम है आना, अंत में ये लोग क्या कहेंगे, चल उड़ जा रहे पंछी ये देश हुआ है बेगाना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मोदी से मिलेंगे क्या आज? मोदी से मिलेंगे? अरे इतना गर्व की बात है कि बगल में हम देखेंगे मोदी जी। ये हो एगो ऐतिहासिक फैसला है, कोई रोड शो में आज लिया। चलिए लास्ट में जय श्री राम बोल दीजिए लास्ट। जय श्री राम।